कोरोना को हराने के लिए इस वक्त पूरा देश वैक्सीन की ओर टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की कमी है, लिहाजा लोग इसके विकल्प को भी तलाश रहे हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए कोई खास दवाई नहीं है, दूसरी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ही इस दौरान मरीजों को दी जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आइवरमेक्टिन दवा को एक विकल्प के रूप में माना गया। आइवरमेक्टिन पर गोवा सरकार ने फैसला लिया और इसके इस्तेमाल की मंजूरी भी दी। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल की सलाह दी गई। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। उनके मुताबिक ये दवा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, WHO आइवरमेक्टिन दवाई के इस्तेमाल के खिलाफ है। किसी भी दवा की सुरक्षा और साथ ही वो कितनी प्रभावी है, इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में ही होना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में मर्क नाम की कंपनी के एक बयान को भी अटैच किया है, जिसमें इस दवा के बारे में बताया गया है। दरअसल फरवरी में मर्क ने आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को लेकर रिपोर्ट छापी थी और क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना मरीजों पर असर का कोई प्रमाण नहीं मिलने का दावा किया गया था। वैज्ञानिकों के हवाले से दवा के क्लिनिकल ट्रायल में सुरक्षा के डेटा भी नहीं होने का दावा किया गया था। अमेरिका में स्ट्रोमेक्टोल के नाम से यह दवा मिलती है। इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट का भी दावा किया गया है। मेडिकल शॉप से लेकर हर ओर इस दवा की चर्चाएं काफी होने लगी हैं। अब आपको एक दफा ये भी बताते हैं कि आखिर आइवरमेक्टिन दवा है क्या। दरअसल आइवरमेक्टिन एक पैरास्टिक दवा है। भारत में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस दवा को मंजूरी दी गई है और किसी तरह के संक्रमण को रोकने में इसे फायदेमंद बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल किया जाए। इस दवाई को लेकर अभी तक करीब 2,500 लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है। UK, इटली, स्पेन, जापान के एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इस दवाई के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों में रिकवरी की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। हालांकि अब एक बार फिर से WHO ने इस दवाई को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। WHO वैज्ञानिक के ट्वीट के बाद एक बार फिर आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई। पिछले साल मलेरिया के खिलाफ दी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसे